जहां देश भर में इन दिनों मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, तो वहीं अब कुछ राज्यों के लिए चिंता की बात सामने आई है। एक तरफ तो गर्मी से निजात मिली और ठंड का दौर शुरू हुआ, तो वहीं दूसरी ओर राज्य के लिए अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि जल्दी यहां एक तूफान आने वाला है। इन राज्यों पर एक साथ दो तूफानों का खतरा मंडरा रहा है, उनमें से एक के गंभीर चक्रवात में बदलने के आसार हैं। आइए आपको बताते हैं कि ये कौन से तूफान है और इनका असर किन किन राज्यों पर पड़ने वाला है। बता दें कि छठ पूजा पर मौसम बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाला एक वायु क्षेत्र बना है, जो धीरे धीरे उत्तर पश्चिम की ओर आगे आ रहा है। इस तूफान के 17 नवंबर को तटीय इलाकों से टकराने की संभावना जताई जा रही है। इसके आने से तेज हवाओं के साथ जबरदस्त बारिश भी आ सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के बाद ओडिशा के तटीय इलाकों में 45 किलोमीटर प्रति घंटे से 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की भविष्यवाणी की गई है। उनमें से एक के गंभीर चक्रवात में बदलने की भी उम्मीद की गई है। मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है, जो बाद में पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी में बड़े तूफान में तब्दील हो सकता है। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर से आंध्र प्रदेश तट के पास और आसपास हवा बढ़ सकती है। आज और कल हवाएं चलेंगी। IMD के मुताबिक दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे सटे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कम दबाव का क्षेत्र 16 नवंबर को आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक दबाव में बदलने से पहले पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने की आशंका है। उन्होंने बताया कि बाद में उत्तर उत्तर पूर्व की ओर फिर से मुड़ेगा और 17 नवंबर को उड़ीसा तट से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक जाएगा, जो कि इन राज्यों के लिए बेहद ही चिंता वाली बात है। इस तूफान को लेकर IMD ने कहा है कि कम दबाव का क्षेत्र तीव्र होकर चक्रवाती तूफान बनकर डिप्रेशन में बदल जाता है, तो इसे मिथिली कहा जाएगा। इसके चलते मछुआरों को अगली सूचना तक समुद्र में ना जाने की खास हिदायत दी है। मौसम विभाग ने 15 नवंबर को यानी आज उड़ीसा के कुछ तटीय जिलों में हल्की से मध्यम बारिश की आशंका जताई है। साथ ही कहा कि अगले दिनों में इसकी स्पीड बढ़ने की भी संभावना है और 16 नवंबर को यानी कल अलग अलग स्थानों पर बहुत तेज बारिश होगी। बता दें कि छठ पूजा पर आ रहे इस तूफान के चलते IMD ने लोगों के लिए एडवाइजरी भी जारी की है। भारी बारिश के कारण जल भराव और भूस्खलन की संभावना है, जिसके चलते नदियों नालों उफान पर आ सकते हैं। लोगों को सचेत और सावधान रहने की हिदायत दी है कि भारत के इन राज्यों में अभी आफत आ सकती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।